नमस्कार, प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। प्रादेशिक समाचार दर्शन में हम आपको पिछले एक सप्ताह में प्रदेश भर में हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात जबलपुर की। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु और राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने आज जबलपुर के डुमना विमानतल में नए टर्मिनल भवन सहित अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास किया। ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं हमारी जबलपुर संवाददाता। देश के व्यस्त एयरपोर्टों की सूची में शामिल जबलपुर का डुमना विमानतल एक बार फिर विकास की नई उड़ान भरने जा रहा है। जबलपुर के डुमना विमानतल के विकास के लिए 423 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार ने स्वीकृत की है। विमानतल के विस्तारीकरण होने के बाद यहां 179 विमान पार्क हो सकेंगे, जबकि वर्तमान में डुमना विमानतल पर सिर्फ एक 320, एक ATR और एक चार्टर्ड विमान ही पार्क करने की सुविधा उपलब्ध है। वहीं यहां आइसोलेशन पार्किंग भी बनाई जाएगी, जिससे बड़ा विमान यहां लगातार पार्क होने के बाद भी यहां की शेड्यूलिंग फ्लाइट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार यहां एक फायर स्टेशन, 14 किलोमीटर लंबी नई बाउंड्री वॉल, टैक्सी वे निर्माण के साथ ही लंबी अप्रोच सड़क बनेगी, जो विमानतल से शहर की कनेक्टिविटी को आसान बनाएगी। विस्तार योजना के तहत यहां रनवे की लंबाई 2750 मीटर की जाएगी, जिससे छोटे बड़े विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ आसानी से हो सकेगा। इतना ही नहीं, डुमना विमानतल पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ATC टावर होगा, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रूट के विमानों से आसानी से संपर्क हो सकेगा। केंद्र सरकार द्वारा डुमना विमानतल का विस्तारीकरण किए जाने से शहरवासियों में हर्ष का माहौल है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। 21 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर की 650 शाखाओं के साथ शाजापुर जिले के मुख्य डाकघर में हाईटेक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे। इसके लिए मुख्य डाकघर में सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे शाजापुर संवाददाता। शाजापुर जिले का मुख्य डाकघर हाईटेक होने जा रहा है। खाता धारक अब डिजिटल तरीके से राशि मोबाइल लैपटॉप से ट्रांसफर कर सकेंगे। खाता धारकों को RTGS से लेकर नेट बैंकिंग की सुविधा मिल जाएगी। डाकघर के बचत खाते को भी नियमानुसार बैंक से लिंक किया जा सकेगा। इसके बाद जिले के करीब 1.5 लाख ग्राहक हाईटेक सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। नई सड़क स्थित मुख्य डाकघर में बैंक खोले जाने के लिए पूरा सेटअप तैयार कर लिया गया है। बैंक के लिए ही भवन, स्ट्रक्चर, स्टाफ की नियुक्ति की जा चुकी है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का पूरा कामकाज बैंक की ही तरह होगा। बैंक खुलने के बाद सरकार की ओर से हितग्राहियों को मिलने वाली सब्सिडी भी खाते में आ जाएगी। पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का पैसा हितग्राहियों के खाते में जमा होगा। जिन योजनाओं का पैसा चेक से आता है, वह भी डिजिटल सिस्टम से खातों में चला जाएगा। समाचार दर्शन के लिए शाजापुर से अजीत पाराशर की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत के सार्थक परिणाम प्रदेश में भी सामने आ रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति के आदान प्रदान के लिए ग्वालियर में भी एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे ग्वालियर संवाददाता। इस सप्ताह शुक्रवार को ग्वालियर में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का रंगारंग आयोजन किया गया। पर्यटन विभाग नई दिल्ली और होटल प्रबंधन संस्थान ग्वालियर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान ग्वालियर के निदेशक प्रोफेसर संदीप कुलश्रेष्ठ के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर भारतीय पर्यटन उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक अनिल ओराव और सहायक निदेशक R.K. मिश्रा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में होटल प्रबंधन संस्थान के प्राचार्य M.K. दास ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मध्य प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड की संस्कृति को समाहित किए हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में तीनों प्रदेशों पर आधारित लघु वृत्त चित्र का प्रदर्शन किया गया। वृत्त चित्र में मणिपुर, नागालैंड और मध्य प्रदेश राज्यों में रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान और वहां की परंपरा व संस्कृति और प्रमुख पर्यटन स्थलों का सुंदर चित्रण देखने को मिला। इस अवसर पर विभिन्न मनोहारी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत थीम बेस्ड डिनर का आयोजन भी किया गया। इसमें होटल प्रबंधन संस्थान ग्वालियर के छात्र छात्राओं द्वारा मध्य प्रदेश के अलावा मणिपुर और नागालैंड के बनाए गए प्रसिद्ध व लजीज व्यंजनों को परोसा गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से लाखों महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में बदलाव आया है। कई महिलाएं अपने मजबूत इरादों के साथ दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं। शहडोल जिले की एक ऐसी ही महिला को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शहडोल संवाददाता। शहडोल जिले के जमुई गांव में रहने वाली राजकुमारी केवट एक परित्यक्ता महिला हैं। शराबी पति के साथ विवाद के बाद वे अपने बच्चों के साथ मायके चली आईं। गरीबी से परेशान राजकुमारी को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का सहारा मिला। मिशन के माध्यम से उसने अपने गांव में 30 महिला स्वसहायता समूह तैयार किए। राजकुमारी 10वीं तक शिक्षित हैं, लिहाजा उसने NRLM में ट्रेनर बनने का फैसला किया। मिशन की गतिविधियों से जुड़े लगभग 3 दर्जन से ज्यादा विषयों का प्रशिक्षण लिया। ग्राम संगठन स्वसहायता समूहों का निर्माण, उनकी गतिविधियां, खेती, पशुपालन, सखी, सोशल ऑडिट से लेकर जेंडर तक उन्होंने प्रशिक्षण लिया। राजकुमारी ने सबसे पहले अपने गांव की महिलाओं को ट्रेनिंग देकर उन्हें स्वावलंबी बनाया, खेती और रोजगार से जोड़कर उनके आर्थिक हालात बदले। राजकुमारी यही नहीं रुकी, दूसरे गांव में जाकर महिलाओं को प्रशिक्षण दिया। मध्य प्रदेश के कई जिलों में हजारों महिलाओं को खेती, पशुपालन और स्वरोजगार के बारे में बताया। राजकुमारी धीरे धीरे दूसरे राज्यों में भी प्रशिक्षण देने लगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में आज वे राष्ट्रीय स्तर की मास्टर ट्रेनर हैं। बीते दिनों राजकुमारी को उनकी उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। प्रदेश में कल 14 अगस्त को शहीद सम्मान दिवस मनाया जाएगा। गुना जिले में भी कल शहीदों का सम्मान किया जाएगा, बता रहे हैं हमारे गुना संवाददाता। गुना जिले में कल 14 अगस्त को शहीद सम्मान दिवस मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग भोपाल के निर्देशानुसार कल दिनांक 14 अगस्त को प्रातः 11 बजे शहीद के निवास स्थल पर जाकर प्रशासनिक अधिकारी शहीद के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही शहीद के परिवार को और वरिष्ठ सदस्य को शाल श्रीफल भेंट कर सम्मानित करेंगे। इस संबंध में जारी आदेशानुसार शहीद सैनिक स्वर्गीय अरविंद कुमार सैन के निवास पर गुना जिलाधीश श्री विजय दत्ता, पुलिस अधीक्षक श्री निमिष अग्रवाल श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसी प्रकार स्वर्गीय उम्मेद सिंह सिसोदिया, स्वर्गीय वीर सिंह सप्रे, स्वर्गीय अनिल बिदुआ तथा सेना के शहीद नायक धीरेन्द्र शर्मा के निवास पर पहुंचकर गुना जिले के विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही शहीद के वरिष्ठ सदस्य का सम्मान करेंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए गुना जिले से रोहित गोस्वामी। आज सावन का तीसरा सोमवार है। महाकाल की नगरी उज्जैन में आज बाबा महाकाल की शाही सवारी निकली। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे उज्जैन संवाददाता। बाबा महाकाल आज तीसरी बार फिर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए और उनके हालचाल जानने के लिए ये बाबा की सवारी अब महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण से उठ चुकी है और अपने पूजन अर्चन के बाद, गॉड ऑफ ऑनर के बाद राजा अपने शाही ठाट बाद अंदाज में निकल पड़े हैं। बाबा महाकाल भक्तों को दर्शन देते हुए और श्रद्धालु बाबा के ऊपर फूल वर्षा करते हुए ये बाबा का लाव लश्कर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और बाबा परंपरा अनुसार रामघाट पर मां शिप्रा के जलाभिषेक पूजन के पश्चात पुनः सवारी मार्ग से होते हुए महाकालेश्वर मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सवारी मार्ग से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए उज्जैन से हेमेंद्रनाथ तिवारी। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर में भी आज भगवान ओमकारेश्वर और भगवान ममलेश्वर की शाही सवारी निकाली जा रही है, बता रहे हैं हमारे खंडवा संवाददाता। ओमकारेश्वर मंदिर से होकर कोटी तीर्थ घाट पहुंची, जहां भगवान ओमकारेश्वर की रजत प्रतिमा का दुग्ध एवं पंचामृत से अभिषेक किया गया। वहीं भगवान ममलेश्वर की रजत प्रतिमा को केवड़ाम घाट पर दुग्ध एवं पंचामृत से अभिषेक किया गया। इस दौरान नगर भ्रमण के बाद पुनः रात्रि को ओमकारेश्वर मंदिर में समापन होगी। इसके साथ ही प्रदेश के पूर्व भाजपा अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान की शिव श्रद्धा कांवड़ यात्रा एवं प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव की आज कांवड़ यात्रा का समापन हुआ। श्रद्धालुओं की संख्या के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे। आज धार जिले में सावन के महीने में स्वच्छता अभियान और सामाजिक सरोकार को लेकर कांवड़ यात्राएं निकाली जा रही है,
बता रहे हैं हमारे धार संवाददाता। श्रावण माह में शिव भक्त भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अनेक तरह की साधनाएं कर रहे हैं। धर्म और आस्था के साथ की जा रही शिव भक्ति में अब सामाजिक सरोकार के विषय भी शामिल हो गए हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार जिले में श्रावण माह में धर्म व आस्था के साथ निकाली जा रही कांवड़ यात्राओं में स्वच्छता व पर्यावरण जैसे विषयों ने भी अपनी जगह बना ली है। आज श्रावण माह के तीसरे सोमवार को जानापाव से अमझेरा तक स्वच्छता अभियान व अन्य सामाजिक सरोकारों को लेकर निकाले जाने वाली बोलबम कांवड़ यात्रा ने धार नगर में प्रवेश किया। कांवड़ यात्रा में शामिल यात्रियों ने अपने कांधे पर पवित्र जल की कांवड़ धारण कर रखी थी, वहीं उनके हाथों में स्वच्छता अभियान, पर्यावरण बचाओ व बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे अनेक सामाजिक सरोकार के बैनर पोस्टर थे। यात्रा में शामिल कांवड़ यात्रियों ने बताया कि वे सामाजिक सरोकार को लेकर गत 3 वर्षों से यह यात्रा निकाल रहे हैं। कांवड़ यात्रियों ने बताया कि इस बार यात्रा के 120 किलोमीटर के बीच में पड़ने वाले लगभग 50 से अधिक गांवों में उन लोगों ने स्वच्छता अभियान को लेकर लोगों के बीच में जागरूकता उत्पन्न की है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को उन्होंने स्वच्छता अभियान के बारे में बताने के साथ खुले में शौच से होने वाली हानि तथा घरों में शौचालय निर्माण की सीख देने के साथ उन्हें पर्यावरण बचाने के बारे में भी बताया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान। और अब सतना जिले के मौसम का हाल बता रहे हैं हमारे सतना संवाददाता। सतना जिले में हो रही रुक रुक कर बारिश से वातावरण में परिवर्तन देखा जा रहा है। जिले में अभी तक 459 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। जिले के रामपुर तहसील में सबसे अधिक 733 मिलीमीटर वर्षा और सबसे कम बिरसिंहपुर में 240 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। बारिश होने से जहां तापमान में गिरावट के साथ साथ जल स्तर भी बढ़ गया है, वहीं जिले के किसानों के चेहरों पर खुशी भी देखी जा रही है। जिले के किसान खेतों में कृषि कार्य करते देखे जा रहे हैं, किसान रोपा कार्य में लगे हुए हैं। वहीं जिले के खेत खलिहानों और खाली जमीन पर हरियाली देखी जा रही है, जिससे घरेलू जानवर चारा चरते देखे जा सकते हैं। वहीं पूरा वातावरण स्वच्छ सुथरा और हरा भरा दिखाई दे रहा है, साथ में प्राकृतिक सौंदर्य भी देखने को मिलता है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार दर्शन के संक में फिलहाल इतना ही। अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी, आकल्पन और संयोजन संजीव शर्मा, परितोष दीक्षित और दीपा सिंह। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।